लेकिन बीजेपी अगर नहीं रहता तो इस समय देश का क्या स्थिति होता। हम अपने पर्सनल सोचे वो आके बीजेपी हमारा हर जोर थोड़ी देगा, देश के आगे की ओर बढ़ाएगा, उसी को ना हम माने अच्छा मानेंगे। देश विदेश सब जगह मोदी जी का जो है से लहर है, निकालो हम सपोर्ट करेंगे। अगर उनको टिकट ना मिला था तैयो बीजेपी के नहीं करेंगे, बीजेपी के नहीं करेंगे, गठबंधन है, गठबंधन है जो आएगा नहीं मिलेगा इस बार। सर मनोज कुशवाहा का ही वोटिंग हम लोग के कंफर्म है। अच्छा, नहीं ये तो बोल रहे हैं कि जो अगर देखिए चाहे किसी को भी ले हम बीजेपी को समर्थन नहीं करेंगे। हां नहीं होगा, मनोज कुशवाहा के टिकट नहीं मिलेगा तब हम बीजेपी के सपोर्ट करेंगे। जो सर एकदम माने भारतीय जनता पार्टी के लोग शुरू से है, अभी भी रहेगा, कैडर वोट है जो कैडर वोट है वो हम बात। ये कौन सा गांव हो गया? पुरुषोत्तमपुर पर भी मुस्लिम क्षेत्र मुस्लिम लोग हैं, कुछ जाति लेके मोहम्मदन का वोट कटेगा, कुछ कट जाएगा कुछ कुछ से, लेकिन व्यक्तिगत प्रभाव इनका है कि क्षेत्र है। हमको आपको हर व्यक्ति को हर गांव के हर लड़का को हर परिवार को ही पहचानते हैं, इसलिए इनका ज्यादा दबदबा चाहिए। मेरा अभी ये मनोज कुशवाहा, मनोज कुशवाहा जी, क्योंकि मेरा गांव में कितना भी अभी भी मनोज कुशवाहा जी के है पहलू है। हम लोग कोई भी बात होता है यहाँ तो हम लोग वहाँ जाते हैं तो हमको सिद्धांत मिलता है, उसका सोल्यू मिलता है वहाँ, तो हम ये जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग को यही चाहिए। और फिर आप बोलने लगे अगर मनोज कुशवाहा, मनोज कुशवाहा के टिकट मिलेगा तो मनोज हम लोग चढ़ुआ के हैं तो मनोज कुशवाहा के ना वोट देंगे, कुछो से आवे तो वही चर्चा में आपको बताया कि महागठबंधन से जो चर्चा तेज है उसमें मनोज जैसे मनोज कुशवाहा के टिकट मिल जाएगा, जैसे हमारा बगलगीर है तो वोट तो हम उन्हीं को देंगे। अच्छा, बगलगीर के नाम पर की काम के नाम? काम पर नहीं, मनोज कुशवाहा के माने माने जीते चाहे हारे लेकिन हम लोग तो मनोज कुशवाहा के देंगे, मनोज कुशवाहा के टिकट मिल जाएगा। चर्चा चल रहा है यहाँ, यहाँ सबसे ज्यादा मनोज कुशवाहा का चर्चा चल रहा है। मनोज कुशवाहा की क्या लग रहा है अभी तक तो टिकट तो फाइनल नहीं हुआ? नहीं हुआ है, ये हम भी जान रहे हैं कि अभी तक टिकट फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन मनोज कुशवाहा का क्षेत्र अच्छा है और उसको जीतना भी चाहिए। कोई दूसरा को वोट नहीं देगा, पंचायतें देगा उन्हें, पूरा पंचायत तुर्की तुर्की और चढ़ुआ दोनों देगा। हाँ, अब आगे वो लोग सब देख लीजिए 39 पंचायत है ना। जी जी, आप साथ हैं। 39 पंचायत में हमको लगता है 75% आदमी मनोज कुशवाहा के फेवर में है, यह तय है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष और आप देख रहे हैं पॉजिटिव बेबी। हम मुजफ्फरपुर ज़िले के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहां पर चुनाव है। अनिल सहनी जी को अवैध करार दिया गया है, उनकी सदस्यता रद्द हो गई, उसको लेकर यहां पर उपचुनाव है। उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, 5 नवम्बर को वोटिंग है और नामांकन प्रक्रिया अभी चल रही है। अब यहाँ पर मजरा फंसा हुआ है क्योंकि जो जदयू विरोध में था 2020 में, अब आरजेडी के साथ है और आरजेडी के सदस्य रहे हैं अनिल सहनी जी। अब यहाँ पर इसलिए भी मजरा फंसा हुआ है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के लगातार विधायक रहे केदार प्रसाद ये गुप्ता, और कम मार्जिन से 500-700 के अंतराल से जीत हार हुआ था। अब उनका बीजेपी से उनका सीट तय माना जा रहा है, लेकिन जदयू और आरजेडी में यहाँ पर पेच फंसा हुआ है। ऊपर से मुकेश सहनी ने भी घोषणा कर दिया है कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और ओवैसी की पार्टी ने भी यहाँ से घोषणा कर दिया। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे हम आइए जानते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही चुनाव हुआ है, दो जगह उपचुनाव, मोकामा और गोपालगंज, दोनों पार्टी अपनी अपनी एक एक सीट स्थान जीत लिया, जो जिसका था वही हो गया। अब कुढ़नी में क्या लग रहा है? जो सर एकदम माने भारतीय जनता पार्टी के लोग शुरू से है, अभी भी रहेगा, कैडर वोट है जो कैडर वोट है वो हम बात। ये कौन सा गांव हो गया? पुरुषोत्तमपुर ग्राम है, पुरुषोत्तमपुर ग्राम है, सीमान है जैसे बोल रहे थे। हाँ, सीमाने मान के चलिए ना, आगे से सीमान है, सीमाने है। लेकिन आप बोले कि यहाँ कैडर वोट है, एक व्यक्ति मिल गए थे, ऐसे वीडियो शूट नहीं किया, ऐसे ही बात हुआ हमारी उनसे, वो बोले कि देखिए हम लोग तो कैडर वोट हैं लेकिन हमको बीजेपी से नुकसान है। क्या आपको बीजेपी में नुकसान क्या है सर? सब तो पार्टी एक ही है, इसमें से उसमें से, लेकिन बीजेपी अगर नहीं रहता तो इस समय देश का क्या स्थिति होता।
हम अपने पर्सनल सोचे वहाँ के बीजेपी हमारा हर जोर थोड़ी देगा, देश के आगे की ओर बढ़ाएगा, उसी को ना हम माने अच्छा मानेंगे। देश विदेश सब जगह मोदी जी का जो है से लहर है, वर्चस्व है, हर अच्छी पार्टी के ऊपर अभी नंबर वन में चल रहे हैं। अब रहेंगे जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक वो अपने पार्टी में बरकरार रहेंगे। अब यहाँ रह गया विधानसभा के चुनाव, विधानसभा लोकसभा में अंतर होता है, तो विधानसभा में अब वो पार्टी के बाद अथी पर निर्भर कर कैंडिडेट पर निर्भर करता है। तो यहाँ के तो बीजेपी से रहे केदार प्रसाद गुप्ता जी और 700 वोट से हैं, तो गुप्ता जी के लिए तो फिर मजबूरी बन गया पार्टी के लिए, उनको तो देना ही होगा वोट, क्योंकि बहुत कम वोट से हारे थे। हाँ कम से हारे हैं तो उनको बनाना चाहिए, सो नहीं उन्होंने किए, लेकिन मजबूरी के कारण लोग जो है उनको वोट देगा और इस बार फिर निकालेगा। ये तो मध्यावर्ती चुनाव मान लीजिए, मध्यावर्ती चुनाव हो गया, ये तो जनरल अथी चुनाव तो नहीं है 24 का, जो इसमें कोई अच्छा जब इतना कम मार्जिन से नीतीश कुमार जी साथ में थे तब 700 वोट से यहाँ पर जीतने हारी थी बीजेपी, अब तो नीतीश कुमार जी आरजेडी की तरफ से आ गए हैं और मांझी जी भी आ गए और ऊपर से अब मुकेश सहनी जो बोछा में बीजेपी का खेल खराब किया वो भी यहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नहीं वोट तो इस बार ज़्यादा से जीतना चाहिए केदार गुप्ता जी को, कारण कि यहाँ इस समय जो है से माहौल दूसरा चल रहा है, ये वो नीतीश जी के शराबबंदी लेके गरीबों को जो है से प्राण घींच के रख दिया, जो माने दो नंबर काम करता है उसको भी सजाए मिला तो ठीक है, लेकिन गरीब आदमी जो तारी बेचता है खजूर के अथी करता है उसको भी परेशान पुलिस कर रहा है, तो क्या करेगा गरीब, कहाँ जा करके माने शरण लेगा। मुद्दा एक रहेगा शराबबंदी वाला ना, तो इसलिए जो है से बीजेपी का वोट पड़ेगा इस बार, माने बीजेपी जितना है बीजेपी। इसके आगे जो हो चलिए। और यहाँ पर देखिए ये चौर है, यहाँ पर अभी खेती का समय है, गेहूँ आलू सब यहाँ पर अभी रुपाई का चालू है, यहाँ पर चना चूर वाले हैं और यहाँ पर लोग हैं जो ट्रैक्टर चला कर या किसान है जो, तब क्या लग रहा है आपको जो 5 तारीख को चुनाव? एकदम सब बीजेपी बीजेपी जी जी, हम लोगों को बहुत कुछ मिला है, कहीं से कोई कमी नहीं, तो हम लोग जो है अब देखे अब देंगे केदार प्रसाद गुप्ता को ही देंगे। अभी तो खैर फाइनल नहीं हुआ लेकिन लग रहा है कि फाइनल वही, जितने के आवर में भी देखे थे बहुत मेहनत किए हैं और हारने के बाद भी रेगुलर मतलब कि जो मेहनत करते जा रहे हैं, रेगुलर मेहनत करते जी जी। आप बताइएगा बीजेपी 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 कहा है। चलिए और हम दूसरे जगह आपको ले चलते हैं, यह गांव है एकदम देहात, यहाँ पर देखिए किसान लोग हैं तो हम रुक करके पूछ लिया और अब दूसरे जगह लेकर चलते हैं, वहाँ से आपको दिखाएंगे कि क्या हाल है वहाँ। विधानसभा में हम अब आ गए हैं, इससे पहले हम पुरुषोत्तमपुर में थे और अभी आ गए हैं। क्या अब कौन सा गाँव हुआ? चरहुआ जी। अभी उपचुनाव होने वाला है जी, जानकारी है आपको 5 तारीख को? हाँ। यहाँ के विधायक अनिल सहनी जी थे, उनकी सदस्यता रद्द हो गई जी। अब क्या लग रहा है यहाँ से? अभी तो खैर फाइनल नहीं हुआ लेकिन बीजेपी की तरफ से केदार प्रसाद गुप्ता जी का माना जा रहा है कि वो ही रहेंगे, तो आप लोग को कौन सा, आरजेडी, जदयू, बीजेपी, किसके आप? अब तो जीत के गए तहिया से तो इतने माने झांकियों पारे नहीं आए। कौन, अनिल सहनी जी? ना केदार गुप्ता जी। हाँ अच्छा, तेरा बाद ये है कि हारे हुए जी। हाँ पामर में तैयो है ना, वो बाद में हो गया, ऐसे इनसे बात कीजिए जी। सर क्या नाम हुआ इस जगह का? हमारा नाम ये तो चढ़ुआ है। चढ़ुआ नाम क्या आपका? हमारा नाम सुनील कुमार हुआ। सुनील कुमार, तो किसका चर्चा आप लोगों को लग रहा है? हम लोग तो बीजेपी के हैं। बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता आते थे, माने कोई कार्ड उड़ो छोटा मोटा भी कार्ड उड़ देते थे तो आते थे, चाहे ऐसे भी आते थे मार्केट में, लेकिन अनिल सहनी जीत के गए तो कुछ नहीं किया, चाकने भी नहीं आए को दिन, हम लोग चिन्हबो नहीं करते अनिल सहनी के। तो अभी वही अभी फाइनल नहीं हुआ है गुप्ता जी का भी, लेकिन ये माना जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से नहीं का, क्योंकि 600-700 वोट से ही हारे थे। हाँ हम लोग केदार प्रसाद गुप्ता के ही। अच्छा केदार प्रसाद जी के गुप्ता की। और यहाँ पर लोग हैं उनसे देखिए कुछ युवा भी हैं, पूछ लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? संजीव कुमार। संजीव कुमार क्या लग रहा है कौन पार्टी यहाँ आएगी? आप अपना विचार बताए। पार्टी आई बोलो कौन? आरजेडी, जदयू, बीजेपी, किसका? कोई भी अच्छा आना चाहिए। कौन आपको अच्छा लगता है यहाँ पर? देखिए 3-4 को नाम हम बता देते हैं। आरजेडी से अगर आएंगे तो अनिल सहनी जी की पत्नी आएंगी। आरजेडी जदयू से, जदयू से एक मिनट, जदयू से आएंगे तो मनोज कुशवाहा जी आएंगे। हाँ। और बीजेपी से हैं, ये नाम हम बता रहे हैं जो हो सकता है, और केदार प्रसाद गुप्ता जी बीजेपी की तरफ से। कौन अच्छे हैं?
कौन आपको लग रहा है तीनों में से कौन अच्छे आपको? फिर से हमको एक बार बताइए। राज प्रसाद गुप्ता जी बीजेपी की तरफ से संभावित उम्मीदवार हैं। जी सर। महागठबंधन की तरफ से संभावित उम्मीदवार मनोज कुमार कुशवाहा हो सकते हैं या अनिल सहनी जी की पत्नी हो सकते हैं? जी सर। कौन लग रहा है आपको? हमको तो लग रहा है सहनी भी अपनी पार्टी उससे उतार रहे हैं। नहीं सर, हमें तो कभी अनिल सहनी जीते हैं जब से चढ़ुआ में कभी लात रखने नहीं आए। तो कौन आपको अच्छा लग रहा है? मुझे चाहिए मेरा अभी ये मनोज कुशवाहा। मनोज कुशवाहा जी, क्योंकि मेरा गांव में कितना भी अभी भी मनोज कुशवाहा जी के है बहलू है। हम लोग कोई भी बात होता है यहाँ तो हम लोग वहाँ जाते हैं तो हमको सिद्धांत मिलता है, उसका सोल्यू मिलता है वहाँ, तो हम ये जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग को यही चाहिए। चलिए एक और यहाँ पर। हाँ, ये बोल रहे थे बीजेपी, अभी भी बोल रहे थे बीजेपी, और फिर आप बोलने लगे अगर मनोज कुशवाहा, मनोज कुशवाहा के टिकट मिलेगा तो मनोज हम लोग चढ़ुआ के हैं तो मनोज कुशवाहा के ना वोट देंगे? अच्छा, कुछ से आवे हूँ तो वही चर्चा में आपको बताया कि महागठबंधन से जो चर्चा तेज है उसमें मनोज कुशवाहा, मनोज कुशवाहा के टिकट मिल जाएगा जैसे हमारा बगलगीर है तो वोट तो हम उन्हीं को देंगे। बगलगीर के नाम पर की काम के नाम? काम पर नहीं, मनोज कुशवाहा के माने जीते चाहे हारे लेकिन हम लोग तो मनोज कुशवाहा के देंगे। मनोज कुशवाहा के टिकट मिल जाएगा तो? हाँ, टिकट तो मिल चुकी है। नहीं टिकट अभी नहीं मिला है, चल रहा है। अगर मिल जाएगा ना तो हम लोग सपोर्ट करेंगे उन्हीं के, मनोज कुशवाहा के। आप लोग बताइएगा, हम चढ़ुआ में आए हैं और ये अभी चर्चा कर रहे थे कि हम लोग बीजेपी के देंगे, लेकिन जैसे हमने बोला कि चर्चा में है कि महागठबंधन से मनोज कुशवाहा जी का भी ना, हाँ तो उन्हीं का लोग हम सपोर्ट करेंगे। अगर उनको टिकट ना मिला तो बीजेपी के नहीं करेंगे? बीजेपी के नहीं करेंगे, गठबंधन है, गठबंधन है जो आएगा। इस बार नहीं मिलेगा इस बार सर, मनोज कुशवाहा का ही वोटिंग हम लोग के कंफर्म है। अच्छा, ये तो बोल रहे हैं कि जो अगर देखिए चाहे किसी को भी ले हम बीजेपी को समर्थन नहीं करेंगे। नहीं होगा, मनोज कुशवाहा के टिकट नहीं मिलेगा तो अब हम बीजेपी के सपोर्ट करेंगे, दूसरा किसी को टिकट मिलेगा। गजब बोल रहे हैं आप, मनोज कुशवाहा को टिकट नहीं मिलेगा तब आप बीजेपी को कर रहे हैं? हां, सपोर्ट यही मन है। अच्छा, तब बीजेपी को समर्थन। चलिए हम अब दूसरे जगह ले चलते हैं, ये चढ़ुआ था और चढ़ुआ से हम आपको लोग से यहाँ पर बात करें। चलिए एक और है यहाँ पर चाचा जी, उनसे हम पूछ लेते हैं क्या लग रहा है यहाँ पर किसका चुनाव जो होने जा रहा है, उपचुनाव किसका पलड़ा भारी होगा? चुनाव तो जो भारी था वही दो ही आदमी होके होगा। कौन कौन? एगो इधर का कौन को आती है बसान भगत के, एगो केदार प्रसाद गुप्ता जी, और एगो चर्चा में मनोज कुशवाहा जी है। अच्छा, हाँ यही दो का चर्चा रहे? हाँ, तो यही दो तो सामने ही में हम लोग का दिखाई दे रहा है। अभी जो जीते हुए थे अनिल सहनी जी, तो वो तो अनिल सहनी तो एको मरता हुए गाँव में चेहरों न हम चिन्हबो न करते थे कौन अनिल सहनी जी है। अच्छा, कभी नहीं थे दे, 5 साल का पार्टी के हिसाब से दीजिएगा या अपना नाम के हिसाब से? अपना तो कितनों कुछ रहे तो मनोज कुशवाहा के दिया जाएगा, जो जो रहे भला बुरा जो रहे सब ठीक मनोज कुशवाहा जी को। चलिए यहाँ के लोग का कहना है कि जो चढ़ुआ से ही है, चढ़ुआ से, और ये बोले कि हम मनोज कुशवाहा घर के बगल के इसलिए उनको देंगे। चलिए अब दूसरे जगह हम लेकर चलते हैं। विधानसभा का जो उपचुनाव होने जा रहा है उस क्रम में हम अब आ गए हैं तुर्की, और तुर्की का यह मार्केट है। यहाँ पर देखिए चाय की दुकान और सारी दुकानें, यहाँ पर हम लोगों से बात करते हैं। तब चाचा जी, उपचुनाव होने जा रहा है यहाँ पर, किस कौन से पार्टी का पलड़ा भारी दिख रहा है? देखिए अभी हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा, समझे कि नहीं? अभी जो है कि जो हम अभी नहीं बता सकते हैं इस बात को। अच्छा, लेकिन कुछ चर्चा तो हो रहा होगा? चर्चा अभी कुछ नहीं हो रहा है, अभी कोई चर्चा नहीं। नहीं, सोचे सुने हैं कि जो इनका टिकट मिला है बस, लोग कहा। किसका? ये मनोज जी का। मनोज जी का महागठबंधन से? हाँ, महागठबंधन, यही सुने हैं बस, और इतना ही सुने हैं। तो मतलब मनोज जी मिल जाए तो अच्छे हैं, मनोज जी को टिकट मिल जाए तो ठीक है? कई नाम सुने हैं से बात बोल रहे हैं, अब ठीक है या बेठीक है वो हम नहीं बता सकते हैं। चलिए, तो और लोग हैं यहाँ, हम बात करते हैं। देखिए चाय की दुकान पर है यहाँ पर। चाचा जी, क्या है? नहीं, अभी उपचुनाव चल रहा है। हाँ, क्या करना? किसका चर्चा चल रहा है यहाँ? यहाँ सबसे ज्यादा मनोज कुशवाहा का चर्चा चल रहा है। मनोज कुशवाहा की क्या लग रहा है? अभी तक तो टिकट तो फाइनल नहीं हुआ। नहीं हुआ है, कि हम भी जान रहे हैं कि अभी तक टिकट फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन मनोज कुशवाहा का क्षेत्र अच्छा है और उसको जीतना भी चाहिए। अच्छा, मनोज कुमार कुशवाहा। हाँ, तब
आपको क्या लग रहा है जैसे बताया चाचा जी? वो तो मनोज कुशवाहा यहाँ हाजिर है। यहाँ पर सब आदमी मनोज कुशवाहा? हाँ, वाह। यहाँ कोई दूसरा को वोट नहीं देगा, पंचायतें देगा वो नहीं। पूरा पंचायत तुर्की? तुर्की नहीं देगा, पंचायत तुर्का दोनों देगा। हाँ, अब आगे वो लोग समझे, बाकी दो पंचायत यहाँ देगा, तीन पंचायत। अच्छा, मनोज कुशवाहा जी का चर्चा उधर हम चढ़ुआ में भी सुने, उनका गाँव ही हुआ, खैर वहाँ के लोग भी बोल रहे थे यही बात कि जो मनोज कुमार कुशवाहा है बगल के हैं, इसीलिए कि नहीं जी सर्वे हो रहा है। हाँ हाँ, आई प्रसिद्ध करे जो ककर ज्यादा चर्चा होकर टिकट मिले। अच्छा, की हो ये बात ना? हाँ ये बात। कौन था, कौन थाना? पुरानी कुटनी थाना, पूरा मनोज कुशवाहा। उनचालीस पंचायत है ना? जी आप साथ हैं। उनचालीस पंचायत में हमको लगता है 75% आदमी मनोज कुशवाहा के फेवर में है। अच्छा, तय है, इसमें दो मत है या नहीं? कोई दो मत नहीं। 40 पंचायत पुरानी प्रखंड है कुढ़नी विधानसभा? 40 पंचायत है। पंचायत कुढ़नी में आप? हाँ। प्रखंड कैगो हुआ कुढ़नी विधानसभा में? एक। ये एक के गो है? एक तो है। अच्छा। अपना इलाका के आदमी सब लोग खोदता है, तो यहाँ अपना इलाका खोदता है, बाहरी आकर के मजा लेके चल जाए तो मजा ना ठीक है। अपना कन के आदमी आवे मजा मारे चाहे हम लोग के पर से, बाकी देंगे हम लोग इसी के। अच्छा, एक अनिल सहनी कह रहे हैं अभी चाचा जी, मुकेश सहनी जी भी अपना कैंडिडेट यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं, उससे कोई असर नहीं पड़ने को, कोई असर पड़ने को नहीं है। एक और बात है जो अभी देखिए गोपालगंज में ओवैसी जी अपना कैंडिडेट खड़ा करके महागठबंधन को तो हरा दिए, क्या लग रहा है यहाँ पर ऐसा कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी मुस्लिम क्षेत्र मुस्लिम लोग हैं? कुछ जाति लेके मोहम्मदन का वोट कटेगा, कुछ कट जाएगा, कुछ कुछ, लेकिन व्यक्तिगत प्रभाव इनका है कि क्षेत्र है, हमको आपको हर व्यक्ति को हर गांव के हर लड़का को हर परिवार को ही पहचानते हैं, इसलिए इनका ज़्यादा दबदबा है। चलिए, ज़्यादा जब दबदबा है यहाँ पर तुर्की के लोगों से आपने सुना, अब चलेंगे दूसरी जगह है जहाँ पर और बात हम चर्चा करेंगे। अभी खैर टिकट फाइनलाइज नहीं हुआ इसलिए लोग खुलकर बोल भी नहीं रहे, लेकिन यहाँ के लोग का कहना है कि 75% वोट मनोज कुशवाहा जी को जाएगा। चलिए, अभी के लिए इतना ही। अगर आप फेसबुक पर देखें तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।